हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में अब बेसहारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उसके पोषण को लेकर नगर परिषद ने ठोस कदम उठाने आरंभ कर दिए। नगर परिषद के जनरल हाउस में इन आवारा और बेसहारा कुत्तों के लिए अब जगह का चयन किया जा चुका है, जहां पर उनके आश्रय का स्थान बनाया जाएगा, जहां पर उनके रहने के साथ साथ खाने पीने का भी प्रबंध किया जाएगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि कुत्तों की समस्या को देखते हुए नाहन चंडीगढ़ मार्ग पर गौ सदन के पास स्थान का चयन कर लिया गया है, जहाँ पर इन्हें रखा जाएगा। इसके अलावा शहर में स्वच्छता के लिए और कर्मचारियों की भर्ती की भी जाएगी। कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि शहर में अब बेसहारा कुत्तों के लिए गौ सदन के पास जगह का चयन कर लिया गया है, जहां पर इनके लिए आश्रय गृह बनाया जाएगा। कुछ दिनों में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शहर में सफाई व्यवस्था हेतु नए सफाई कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। परिषद नाहन में चलता आ रहा है वो है स्टे डॉग्स के लिए डॉग पाउंड बनाने का। तो इसके लिए जो जगह की तलाश है वो हमारा जो गौशाला है कालाम रोड पर, उस पे स्थान को निरीक्षण कर लिया गया है और चयन कर लिया गया है। पर क्योंकि ये जगह चरागाह दरख्तान है तो इस हाउस में यह भी पास किया गया कि इसके लिए FCA के लिए जो है कंसल्टेंट हायर किया जाए, इसके लिए टेंडर लगाया जाए, ताकि जो FCA की अप्रूवल है वो ली जा सके और ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। ये कठोर जो कदम है वो उठाए जाएंगे और हमारे जो स्वीपर्स नहीं आ रहे हैं उनको, जिसमें 29 स्वीपर्स हैं हमारे, उनको निकालने के लिए भी आदेश दी। फॉर्मेलिटीज़ तो हमें पूरी करनी पड़ेंगी, तो ये टेंडर्स हमने ऑलरेडी फ्लोट कर दिए हैं जो 31 अक्टूबर को खुलेंगे। और इसमें किसी को कोई ना तो BJP के किसी पार्षद को ऑब्जेक्शन है और ना किसी कांग्रेस के पार्षद को ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो टेंडर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही हम कोई भी काम अवार्ड कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।